देश में कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जौनपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मॉकड्रिल हुई, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा, SDM ऋषभ जैन सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। जिला स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा, SDM ऋषभ जैन ने डॉक्टर्स की टीम के साथ सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। टीम ने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट पर्याप्त काम कर रहे हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर हमने कोरोना से निपटने के लिए पूर्व तैयारी मॉकड्रिल के जरिए देखी। उन्होंने कहा कि जौनपुर जिले में ऑक्सीजन के 3 प्लांट सिहोरा, जिला अस्पताल और मेडिकल में लगाए गए, जहां पर कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पलंग पर्याप्त है, स्टाफ को भी लगातार ट्रेनिंग देते हुए तैयार रखा है, जिससे कि अगर अचानक से कोरोना आता है तो समय रहते इससे निपटा जा सके। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर संजय मिश्रा अपनी टीम के साथ ऑक्सीजन प्लांट के बाद ICU वार्ड पहुंचे, जहां वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों को देखा। वहीं बात करें अगर वैक्सीन की, तो जौनपुर में अभी सिर्फ कोवैक्सीन के डोज हैं। कोविशील्ड और कोरवैक्स की मांग की गई। जैसे ही ये वैक्सीन मिलती है तो इसे बूस्टर डोज के लिए उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की शुद्धता का मानक 92% प्लस है, जो वहीं जौनपुर में ऑक्सीजन का प्योरिटी लेवल 97% है। अगर कोरोना की कोई वेव आती है तो हम कैसे उससे निपटेंगे? मुख्य रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि विक्टोरिया में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्वयं का चालू कर दिया है। पिछली बार हम लोग रिसाई से प्लांट से ले कर आते थे ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट करते थे। सिहोरा में भी एक प्लांट लगा लिया तो हम खुद का प्रोडक्शन करने लगे। जैसे आप ये देख रहे हैं पीछे 6 KL का, 6,000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट है, लाके सीधे इसमें हम भर सकते हैं और यहाँ से हम अपने छोटे छोटे जंबो सिलेंडर खुद ही भर सकते हैं। तो ये आज की स्थिति में ये उनके पास इतनी ऑक्सीजन है कि खुद तो उपयोग कर ही सकते हैं, अन्य हॉस्पिटल्स को भी हम दे सकते हैं ऑक्सीजन। ट्रेंड स्टाफ है, बेड पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयाँ का कोई इशू नहीं है। तो कोरोना की अगर कोई वेव्स आती है ऐसी, उसके लिए प्रशासन जिला अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। लोगों से बस पुनः एक बार और यही निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर उन्हें लगता है कि कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल हॉस्पिटल आकर डॉक्टर को दिखाएं। शासन के निर्देशानुसार आज मॉकड्रिल की जा रही है। कोविड की तैयारियों को देखते हुए हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सबसे पहला ऑक्सीजन है कि उसकी उपलब्धता बनी रहे, ऑक्सीजन बेड पर्याप्त मात्रा में रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में रहे। स्टाफ हमारा वैसे भी ट्रेंड है क्योंकि 3 लहरों का सामना हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऑक्सीजन बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 2 ASU प्लांट यहाँ लगे हुए हैं जिला अस्पताल में। एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हमारे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये 6 KL का है। तो जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगी इस बार। इसके अलावा दवाइयों की उपलब्धता, पलंग की उपलब्धता, स्टाफ की ट्रेनिंग, हमने पिछले एक साल में करीब करीब 4 से 5 बार स्टाफ की ट्रेनिंग कोविड के लिए की है, जबकि कोई ऐसी लहर की संभावना नहीं थी, लेकिन स्टाफ का ओरिएंटेशन लगातार हम लोग करते रहे हैं। जहां तक वैक्सीन की बात है तो अभी कोवैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में उपलब्ध है, बाकी 2 कोविशील्ड और कॉर्बावैक्स के लिए हमने डिमांड भेजी है। जैसे ही उपलब्ध होगी तो हम जनता को इसकी बूस्टर डोज के लिए उपलब्ध करा देंगे। जनता को डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल को वो वैसे ही फॉलो करें जैसे हमने पिछली 2 से 3 लहरों में उसको फॉलो किया था। जौनपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।